डेटा बाइंडिंग क्या होता है? व्हाट इज डेटा बाइंडिंग? समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस छोटे से वीडियो में। डेटा बाइंडिंग एक टेक्निक है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। ओके, ये एक टेक्निक है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है, खासकर यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग में। अब किस लिए यूज होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन में जो डेटा है और यूआई एलिमेंट्स जो उस डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं, उनके दरमियान कनेक्शन स्थापित करने के लिए डेटा बाइंडिंग टेक्निक यूज होती है। फिर से बताता हूं, एप्लीकेशन में जो डेटा है, जो भी आपका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में जो डेटा है और यूआई एलिमेंट्स जो उस डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं, उनके दरमियान कनेक्शन स्थापित करने के लिए। इसके थ्रू एक तरफ से डेटा में परिवर्तन होता है तो दूसरी तरफ यूआई एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, और इसका उल्टा भी होता है, बिना किसी एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन कोड के, मतलब कोई एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन कोड नहीं लिखना होगा उसके लिए। इसके थ्रू एक तरफ से डेटा में परिवर्तन होता है, डेटा चेंज होगा एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से यूआई एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे। ओके, डेटा चेंज होगा, यूआई एलिमेंट्स अपडेट होंगे, और इसका उल्टा यानी यूआई एलिमेंट्स अपडेट हुए और डेटा में चेंजेस हुए। सिंपल शब्दों में डेटा बाइंडिंग यूआई एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, लेबल्स हैं एक्सेट्रा, इनको एप्लीकेशन के मॉडल या व्यू मॉडल में रखी हुई जो डेटा है उनसे जोड़ता है। ओके, डेटा बाइंडिंग यूआई एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को एप्लीकेशन के मॉडल या व्यू मॉडल में रखी हुई डेटा से जोड़ता है। जब डेटा में परिवर्तन होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग यूआई एलिमेंट्स भी खुद को अपडेट कर लेते हैं, और जब यूजर यूआई एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता है तो डेटा खुद ही अपडेट होता है। ओके, डेटा बाइंडिंग के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला तो है वन वे डेटा बाइंडिंग। इस प्रकार में डेटा एक ही दिशा में फ्लो होता है, सोर्स से टारगेट की तरफ। सोर्स जो कि है डेटा मॉडल या व्यू मॉडल, और टारगेट जो होगा यूआई एलिमेंट। तो सोर्स से टारगेट की तरफ डेटा फ्लो होता है। सोर्स में परिवर्तन होने पर टारगेट अपडेट होता है, लेकिन टारगेट में परिवर्तन सोर्स को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वन वे डेटा बाइंडिंग है तो डेटा एक ही दिशा में फ्लो होता है। सोर्स में परिवर्तन होने पर टारगेट अपडेट होता है, लेकिन टारगेट में परिवर्तन सोर्स को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा है टू वे डेटा बाइंडिंग। अब इस प्रकार में डेटा दोनों तरफ से फ्लो होता है, सोर्स और टारगेट के बीच में। सोर्स या टारगेट में परिवर्तन होने पर दोनों में से दूसरे को भी ऑटोमेटिकली अपडेट किया जाता है। ओके, सोर्स या टारगेट में परिवर्तन होने पर दूसरे को भी, दोनों में से जो भी परिवर्तन होगा तो दूसरे को भी ऑटोमेटिकली अपडेट किया जाता है। डेटा बाइंडिंग यूआई डेवलपमेंट को आसान बनाता है। यूआई और अंडरलाइंग डेटा के बीच का सिंक्रोनाइजेशन का जो कोड है उसकी जरूरत को कम करके, क्योंकि ऑटोमेटिकली हो रहा है तो सिंक्रोनाइजेशन का जो कोड है उसकी जरूरत को कम करके ये यूआई डेवलपमेंट को आसान बनाता है, और ये यूआई को एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल के दौरान डेटा स्टेट के साथ कंसिस्टेंट रखता है। ये आमतौर पर मॉडर्न यूआई फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज में इस्तेमाल होता है, जैसे एंगुलर, Vue.js, React, WPF और Xamarin। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर कोई भी क्वेरी है इसके बावजूद आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। और अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर ऐसे वीडियोस और आते रहें तो लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। जिस किसी ने भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस नहीं किया, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते हैं, वरना हो सकता है काफी सारे यूजफुल वीडियोस आप मिस कर जाएं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।